चलो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पार्क के अंदर शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल सी इज इक्वल टू 90 और बाकी सारी साइडों की लेंथ दे रखे, तो हमें एरिया फाइंड करना। तो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल होगा एबीसीडी जिसमें सी 90 डिग्री है। तो अब एक काम करो, आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर दो। जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये जो है बीसीडी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 है, 5 12, पाइथागोरस लगाओगे तो ये 13 हो जाएगा। पाइथागोरस का ट्रिपलेट मैंने आपको बताया था 5 12 13 होता है, तो मैंने बिना पाइथागोरस लगाए बोल दिया कि बीडी 13 है। अब देखो हमें दो ट्राइंगल मिल गए, एक तो नीचे वाला बीसीडी और एक ऊपर वाला एबीडी। बस इन दोनों पे अलग अलग हेजन फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दो। काम करो, ये जो राइट एंगल वाला है इस पे तो हाफ अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगा दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लगाओ इस पे बीसीडी वाले पे हाफ इंटू बेस कितना है, बेस ये आपका 12 और हाइट ये 5, तो ये हो गया 30। तो ये नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 30, ऊपर वाले पे हेरोंस फॉर्मूला लगा दो और ऐड कर दो। अब देख लो नीचे वाला मिल गया 6 √35, उसको सॉल्व कर लो और दोनों को ऐड कर दो। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन व्हिच ए बी बी सी सी डी और डी ए इन सबके और ए सी इन सबकी लेंथ बता रखी, तो बना के देखते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा। तो देखो ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें ये सब है। अब एक चीज बताऊं, ये ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल देखो एबीसी, इसमें क्या क्या लेंथ है, 3 4 5, कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया, तो यानी कि एंगल भी 90 डिग्री होगा, एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो ये नीचे वाले का एरिया तो हम निकाल सकते हैं हाफ बेस यानी 4, हाइट यानी कि 3, 2 से 2 गया 6, तो ये नीचे वाले का एरिया तो आ गया 6। इसको हीरो फॉर्मूले से निकाल लो, ऊपर वाले को एडीसी को हेरोंस फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, और हेरोंस फॉर्मूला लगा के 6+ या नीचे वाले का 6 और ऊपर वाले का जोड़ दो, वही होगा टोटल एरिया। तो ऊपर वाले पे हेरोंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 2 √21 और ये वाला 6, तो ये वाला एरिया होगा 2 √21 और ये हो गया 6, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये होगा टोटल एरिया। अब कुछ बोलेंगे 2 √21 क्या होता है, तो ये कुछ 4 point कुछ समथिंग होगा, तो 8 15 के आसपास आएगा इसका, 15 16 के आसपास, वो सॉल्व करके देख लें। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करते हैं, इसको आराम से करेंगे, मैंने इसको शॉर्ट्स में नहीं करा है, तो आराम से समझ लो। वैसे तो क्वेश्चन इजी है पर लेंथ दिया तो आराम से कर लेते हैं। तो एक लंबा चौड़ा सा फिगर आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको, एरोप्लेन टाइप कुछ शक्ल है, ठीक है, एंड एक्सक्यूज फॉर माई ड्राइंग, क्वेश्चन समझ लो। तो इस पूरे का हमें एरिया निकालना है और इसको है ना फेजेस में बांटा हुआ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हम सबका एक एक करके निकालेंगे एरिया, फर्स्ट वाले का निकालेंगे, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, और पांचों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो करते हैं करना शुरू। तो पहले फर्स्ट वाले का करते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले रीजन का एरिया। तो ये एक ट्राइंगल है, कलर करता जाता हूँ मैं जो जो हो रहे हैं, ये फर्स्ट वाले को ऐसे येल्लो से कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें ये लेंथ दे रखी 5, ये वाली दे रखी 1 और ये वाली भी 5 ही है, ठीक है, तो 5 5 1। तो इसका एस कितना होगा, एस होगा 5 + 5 + 1/2 यानी कि 5 5 कितना हो गया 11 11, ओ सॉरी 10 11, तो एस हो गया आपका 5.5। एस मिल गया, एबीसी आपको पता है 5 5 1, तो हीरोस इस वाले हीरोंस फॉर्मूले में लगाओ इसको और एरिया 1 निकालो, तो ये हो गया 5.5। तो 5.5 माइनस 5 कितना होगा, 0.5, फॉर्मूले में डाल लो कुछ नहीं, 5.5 माइनस 5 कितना होगा 0.5, क्योंकि दो बार 5 है ना, 5.51 कितना होगा 4.5। अब देखो ये स्क्वायर रूट वगैरह सॉल्व करना ना मैं मान के चल रहा हूँ कि आप कर लेते हो, बाकी मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये छोटी क्लास की चीजें हैं स्क्वायर रूट सॉल्व करना, लेकिन अभी सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और स्क्वायर रूट मैं विजुलाइज कर रहा हूँ या इमेजिन कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है, और नहीं आता तो इसी चैप्टर खत्म होते ही एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें स्क्वायर रूट सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये आ गया आपका, तो एरिया निकालो। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो एरिया कुछ आपका आएगा 0.75 √11, तो एरिया 1 हमें मिल गया, एरिया 1 हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत बताओ यहाँ से, कोई दिक्कत आई? एरिया 1 हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हम एरिया 2 पे, ये वाला एरिया 2, ये कुछ रेक्टेंगुलर टाइप की कुछ चीज लग रही है ना, समझ रहे हो, तो एरिया 2 निकालेंगे अब, ठीक है। एरिया 1 आ गया हमारा, इसको मैंने सिर्फ सॉल्व कराया, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो रही है कि स्क्वायर रूट में से कैसे आ गया, तो स्क्वायर रूट आप करना सीखो, और नहीं आता तो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ इसको देख लो कि स्क्वायर रूट जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.75 √11, ठीक है। अब चलते हैं हम एरिया 2 की तरफ, एरिया 2 ये येलो है, तो अब ग्रीन से सॉल्व करते हैं एरिया 2, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, ये वाला है ना, लेंथी लेंथी है ना, ये क्वेश्चन क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट वही है। तो ये रेक्टेंगल है जिसमें ये वाली एक है लेंथ, ये वाली एक है, ये पूरी 6.5 है और ये 1.5 है,
तो ये भी पूरी 6.5 ही होगी, 1.5 है और ये भी 5 है, यहाँ तक ये 5 है, तो 5 प्लस 1.5 ये भी 6.5, ये भी 6.5, ये भी 1, ये भी 1, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो सीधे सॉल्व करो, 6.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड होता है ना, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर शेप है ग्रीन वाली, तो 6.5 इंटू 1, तो आंसर आ गया 6.5। तो एरिया सेकंड तो हमें इजीली मिल गया 6.5, कोई दिक्कत भी नहीं हुई इसमें, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी कर दो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया वन निकल गया, एरिया टू निकल गया। अब एरिया थ्री निकालते हैं, एरिया थ्री, एरिया थ्री चलो वाइट से करते हैं, समझ लो ना, ये तीनों का एरिया एक एक करके निकाल के फिर ऐड कर देना है बस। एरिया थ्री ये नीचे वाला, नीचे वाला कुछ ट्रेपीजियम टाइप की शक्ल लग रही है इसकी, एरिया थ्री अगर आप ठीक से देखो तो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं एरिया थ्री को। ओके गाइस, इसको देखो एरिया थ्री, इस वाले को आप विजुलाइज करो, ये जो मैं वाइट कर रहा हूँ ना डार्क, ये देखो ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड होती है और ये होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या होता है, हाफ सम ऑफ ये पैरेलल साइड, पैरेलल साइड ये है ना वन और टू, तो सम ऑफ पैरेलल साइड लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो हमें हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया, 1 + 2 = 3। अब हमें हाइट निकालनी है इसमें, तो हाइट कैसे निकालते हैं, देखो हाइट निकालना सीखो ट्रेपीजियम में, ये 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे ये ज्वाइन करूँ और ये भी ज्वाइन करूँ, तो हमें पता है कि ये 2, ये पूरा 2 है और ये दो हिस्सों में कट गया, यानी ये होगा 1/2, ये होगा 1/2, और ये तो 1 है ही क्योंकि ऊपर वाला 1 है, तो ये भी 1 होगा। तो क्या अब यहाँ से हम ये 90 डिग्री बन गया ना, तो यहाँ से हम पाइथागोरस लगा के, या तो इधर से लगा लो इधर से लगा लो, यही की बात है क्योंकि 1 1/2, तो ये हाइट आ जाएगी, पाइथागोरस लगा लो इसमें। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला जिसमें ये हाइपोटेनस 1 है, ये बेस 1/2 है, तो इसका पाइथागोरस लगा के आप ये निकालो परपेंडिकुलर, डायरेक्ट बता दो इसका आंसर, परपेंडिकुलर जब आप लगाओगे इसका तो आंसर आएगा √3/2, तो हाइट आ गई इसकी √3/2। ये पाइथागोरस लगा के देख लेना, पाइथागोरस लगा लेना जरूर, ठीक है। 1 जिसका हाइपोटेनस 1 है और बेस 1/2 है, तो परपेंडिकुलर √3/2 आएगा, तो वही परपेंडिकुलर इस ट्रेपीजियम की, इस पूरे ट्रेपीजियम की हाइट है, तो हाइट क्या आ गई √3/2। तो इसको सॉल्व कर दो आप, कितना होगा ये 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें यानी एरिया 3 भी मिल गया। अब हमें एरिया 4 और एरिया 5 निकालना है। अब गौर से देखो, एरिया 4 और एरिया 5 में सब कुछ सेम है, तो एक भी कोई सा भी निकाल लेंगे तो इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है एरिया 4 और एरिया 5, ये देखो पिंक से मैं करता हूँ, देखो ट्राइंगल है जिसकी ये वाली लेंथ 6 है, ये वाली लेंथ भी 6 है, और ये वाली लेंथ कितनी बताओ, ये दे रखी है 1.5, तो 6 6 1.5 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो एरिया 4 और एरिया 5 दोनों सेम है, तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो एरिया 4 एंड एरिया 5 दोनों सेम है, ट्राइंगल है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 6 6 और ये 1.5 दे रखी है ना, ये 1.5 ये वाली हाइट, तो कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ साइड्स की 6 6 1.5। तो अब इसके ऊपर हेरोंस फॉर्मूला लगा दो आप, जब इस पर हेरोंस फॉर्मूला लगाओगे, अब देखो मैं हेरोंस फॉर्मूला एक बार लगा चुका हूँ, तो अब डायरेक्ट मैं लगा के आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो हेरोंस फॉर्मूला जब आप इस पर लगाओगे, या फिर डायरेक्ट आप इस पर कुछ और भी लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इस पर आप या तो हेरोंस फॉर्मूला लगा लो जो कि ये S-S, या फिर डायरेक्ट इस पर लगा सकते हो हाफ बेस, देखो ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करो, ये वाला, ये दोनों सेम ही है ना, एक ही निकाल रहे हैं दोनों को, फिर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो हाफ, इसको बेस मानो इसको, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ऐसे, 1.5 है इसकी हाइट दे रखी, तो बेस इंटू हाइट ये वाला हो गया 6 6, तो इसको सॉल्व करो, 3 × 1.5 कितना होता है 4.5, तो एरिया 4 भी 4.5 होगा, और एरिया 4 और एरिया 5 हमारा सेम है, तो हम बोल देंगे एरिया 5 भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक चीज मुझे बताओ, हमें एरिया 1 मिल गया, ये रहा, एरिया 2 मिल गया, ये रहा, एरिया 3 मिल गया, ये रहा, एरिया 4 मिल गया, ये रहा, एरिया 5 मिल गया, ये रहा, इन पांचों को ऐड कर दो और वही होगा टोटल एरिया। था ना ये बहुत लेंथी क्वेश्चन, पर लगा रहे हैं हम वही कॉन्सेप्ट है अपने एरिया निकालने का, ठीक है। और कोई बोल रहा है यार ये 0.05 अंडर रूट 11 क्या होगा, तो इसके अप्रोक्स ले लो, रूट 11 जो होता है ना वो अप्रोक्स में अराउंड 3 point something होता है, रूट 11 जो होता है ना 3.3 के कुछ इक्वल होता है, तो इसको 0.75, इसको रूट 11 3.3 के कुछ समथिंग होता है, तो इसको सॉल्व कर लो आप,
तो आंसर आएगा आपका अराउंड 2.5। तो ये एरिया वन आपका हो गया, कहाँ गया एरिया वन, 2.5। एरिया टू आपका हो गया 6.5। एरिया थ्री आपका हो गया ये 3√3/4, 4.5, 4.5। अब ये रूट थ्री की वैल्यू भी होती है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.7 अप्रोक्स, तो इसको भी सॉल्व कर लेना और टोटल ऐड वेड करके अप्रोक्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन हमने फाइनली सॉल्व कर दिया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड एरिया। ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का जो बेस और एरिया सेम है, और बेस बता रखा है 28 सेंटीमीटर, और ट्रायंगल के तीनों ये बता रखे हैं, और पैरेललोग्राम के हाइट पूछा है। तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, बेस इंटू हाइट, एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम का ये पता होना चाहिए। पहले ट्रायंगल का ये एरिया निकालो हेरेंस फॉर्मूला से, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर दोगे 2 से, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 42 इंटू, ये 42 माइनस 26 करोगे 16 इंटू, जो भी आएगा उसको सॉल्व करते जाओ, 14 इंटू 12। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इन तीनों की साइड का आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 336। अब इन्होंने क्या रखा है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है, तो ये हो गया, और पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एरिया का होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस है 28 और हाइट हमें निकालनी है, बस इसको सॉल्व कर दो। 336/28 कितना होता है, 336/28 होता है आपका 12, आंसर सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक रोम्बस शेप का फील्ड है जिसकी सारी साइडें 30 है, और एक लॉन्गर डायगनल, ये डायग्राम में मैंने बता बना रखा है 48 है, और इसमें 18 काउ ग्रेज कर रही है। ठीक है, तो हर काउ का पूछ रहा है, तो इसका पूरा का एरिया निकाल के डिवाइड बाय 18 कर देंगे हम, क्योंकि तो टोटल 18 काउ है, तो ईच काउ का आ जाएगा, ईच काउ का पूछा है ना, तो इसका पूरा एरिया निकालो, पहले ऊपर वाले का निकाल लो, नीचे वाले का निकाल लो। अब एक चीज ध्यान से देखो, एक ही का निकाल लो, टू करना पड़ेगा, क्योंकि देखो 30 48 30 30 30 48 सेम ही नंबर है, तो एक किसी भी ट्रायंगल को ऊपर या नीचे वाले का हेरोंस फॉर्मूले से एरिया निकालो, उसको टू कर दो तो पूरे का आ जाएगा। ठीक है, तो मैं निकाल के देखता हूँ क्या आता है। तो ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 60 108, तो एस हो जाएगा 54। तो 48 को जब आप करोगे तो 6 24 × 24, हेरोंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 432। तो वो एक साइड का होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर वाला भी 432 आने वाला है, तो ये आ जाएगा आपका 864 टोटल एरिया। अब ये पूछ रहा है ईच काउ का कितना है, तो 864/18 कर दो, तो जब 864/18 करोगे तो आंसर आएगा आपका 48। तो हर काउ को 48 मीटर स्क्वायर का एरिया मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये डायग्राम से समझ लो, ऐसे ही अम्ब्रेला बनी हुई है जिसमें से 5 ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, और उसको इमेजिन करो कि ये सब सेम है, और तीनों की लेंथ, एक ट्रायंगल की लेंथ है 50, 50 और 20, तो इस टोटल का एरिया पूछा है। तो एक का निकाल लो और 5 से मल्टीप्लाई कर दो हेरेंस फॉर्मूला से, तो पहले एस एस निकालो, तो ये पेरीमीटर कितना हो गया 120, तो एस कितना हो गया आपका 60 60 माइनस 8 10 60 माइनस 8 10 40। इसको सॉल्व कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया ऑफ अम्ब्रेला आ जाएगा। बस ये तो क्वेश्चन था, इसको एक का ट्रायंगल के बता रखी है उसने लेंथ, और उसका उसका हेरोंस फॉर्मूला हमने लगा दिया, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो करके देखो इसको सॉल्व, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 200√6। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 1000√6 मीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर। ओके गाइस, ये मतलब क्वेश्चन समझते हैं हम आराम आराम से, ठीक है, इसको शॉर्ट्स में नहीं करेंगे, आराम से समझने की कोशिश। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे कहता है, एक ये स्क्वायर शेप काइट है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना बुक में से, मैं आपको समझा देता हूँ। स्क्वायर शेप काइट है, ये दिख रही है येलो, और नीचे ट्रायंगुलर है, और टोटल का एरिया पूछा हुआ है, और बता रखा है डायगनल 32 है, ठीक है, और तीन रीजन में बांट रखा है इस पूरे काइट को। एक तो फर्स्ट रीजन ये ऊपर वाला, मैं ऐसे शेड कर देता हूँ ऐसे, ये ऊपर वाला, और एक सेकेंड रीजन ये दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ ऑरेंज से, और ये तीसरा तो दिख ही रहा है अलग से ट्रायंगुलर। तो इन तीनों के अलग अलग रीजन का एरिया आपको बताना है। तो इस नीचे वाले का तो आप बता ही दोगे, ट्रायंगल है, हेरोंस फॉर्मूला लगा सकते हो, तीनों की लेंथ भी दे रखी 6 6 8। तो इसको जब आप पहले इसी को कर देते हैं क्योंकि आसान है, तो डायरेक्ट हेरोंस फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, अगर किसी को हेरोंस फॉर्मूला नहीं पता तो सीक्वेंस में देखो सब समझ आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ 6 6 12 12 8 20, तो एस हो जाएगा 10, 10 माइनस 6 4 10 माइनस 6 4 10 माइनस 8 2। तो नीचे यानी थर्ड वाले रीजन का तो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व जब आप करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपका 8√5। ये सब सॉल्व करने में बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, 8√5, और ये सब हो रहा है आपका मान लो सेंटीमीटर में। तो थर्ड रीजन का तो हमें मिल गया 8√5 cm², यहाँ तक बात समझ गई थर्ड। अब फर्स्ट और सेकंड काम करते हैं, ठीक है, ये हटा दूँ थर्ड वाला, फर्स्ट एंड सेकंड का करते हैं। अब देखो भाई, अब मैंने थर्ड रीजन का तो आपको एरिया
निकाल दिया, अलग अलग करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट रीजन का कितना आ रहा है, सेकंड रीजन का कितना, तो थर्ड रीजन हमने इजी था, हेरन्स फॉर्मूला लगा कर दिया। अब फर्स्ट रीजन का करते हैं, डायगनल की वैल्यू दे रखी है 32 और हमें पता है ये स्क्वायर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा स्क्वायर शेप काइट है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर डायगनल के फॉर्म में होता है हाफ डी स्क्वायर, तो पूरा स्क्वायर का एरिया होगा हाफ डी स्क्वायर, लेकिन हमें अभी अलग अलग करके दिखाना है, तो फर्स्ट रीजन का क्या होगा, फर्स्ट रीजन का एरिया हाफ डी स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, और उसका भी हाफ क्योंकि हम ये ऊपर वाले का निकाल रहे हैं ना अभी सिर्फ, तो और एक बार और हाफ करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे जो जो आएगा वो आएगा आपका 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट रीजन का आपको मिल गया हमें 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेकंड का भी वही आएगा क्योंकि स्क्वायर है, हाफ हाफ में कटेगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है मैं लिख देता हूँ आराम से। और थर्ड रीजन का भी हमने निकाला 8√15, तो ये तीनों हमने एरिया निकाल दिए। तो लंबा चौड़ा सा था, मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है, आप एक बार उसको बुक में से पढ़ के क्वेश्चन को समझ लेना और ऐसे ही सॉल्व हो गए, ठीक है। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स व्हिच आर ट्रायंगुलर, द साइड ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 टाइल्स का है और एक टाइल का और सारी ट्रायंगुलर शेप की है, कहाँ लिखा है ये ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, और एक ट्रायंगल का बता रखा है कि लाइन साइड है 9 28 और 35, तो टोटल कॉस्ट पूछा है सारी टाइल्स की, तो हम एक का निकाल के 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो एक टाइल का हम निकालते हैं, बेसिकली एक टाइल का हमें एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हेरन्स फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है हेरन्स फॉर्मूला, एस, ठीक है लिख रहा हूँ मैं, ये होता है एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हेरन्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ये होता है सिर्फ ध्यान रखना, ठीक है। तो अब लगाएंगे पहले एस की वैल्यू निकालो, एस क्या होता है तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाई टू, तो इन तीनों का सम करो, तो एस की वैल्यू आएगी 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई टू, तो क्या होगा इसको सॉल्व करो 50 और 13 63 और प्लस 9 72 बाई टू, यानी कि ऐसा आ गया आई थिंक 36 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लिया करो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर मैं गलत करूँ तो, तुम बैठ ही रहते हो, ठीक है, तो ऐसा आ गया 36 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में लगाओ ए बी सी की वैल्यू पता है, ये ए है ये बी है ये सी है, तो लगाओ इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले में, तो एक एक टाइल का निकालेंगे हम क्योंकि एक टाइल की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है ना, टोटल ऐसे 16 टाइल है, तो एक टाइल का निकालेंगे हम, फॉर्मूले में डाल रहा हूँ 36 36 माइनस 9 36 माइनस 28, पढ़ाओ इसको 36 माइनस कितना है 35 नॉट 35 35, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको यहाँ सॉल्व कर दो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब सॉल्व करना आता है अंडर रूट, तो ये हुआ 36 इंटू 36 माइनस 9 कितना होता है 27, 36 माइनस 28 कितना होता है 8, और आपका 36 माइनस 35 कितना होता है 1, अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर रूट सॉल्व करना आता है आपको। देखो मैं इस वीडियो के बाद ये चैप्टर खत्म होती है, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वो नहीं आता तो वो सीख ले रहा, तो मैं डायरेक्ट अभी आपको बता देता हूँ कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 30√6, 30√6 बातुरी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया एक टाइल का एरिया। तो हमें इसमें पता है कि फ्लोर में टोटल 16 टाइल्स हैं, फ्लोर में टोटल 16 टाइल्स हैं, तो इसको 16 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा 16 480, सॉरी ये होगा 36, ये मैं गलत बोल गया, ये जो एरिया इसको यहाँ से सॉल्व करोगे ना, ये इसको अंडर रूट को जब सॉल्व करोगे तो होगा 36√6, 36√6 आएगा, ठीक है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करो तो 36 इंटू 16 कितना होता है कैलकुलेट करो, उसको जब तक मैं मिटाता हूँ, 36 इंटू 16 तो 36 इंटू 16 होता है आपका 576, तो ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना मैं जल्दी कर रहा हूँ ताकि कोर्स आपका कंप्लीट जल्दी हो जाए, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, 576 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर का। हमने 16 पहले एक टाइल का निकाला जो कि ये आया, फिर उसको हमने ऐसे 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, तो ये आ गया हमारा टोटल एरिया, टोटल एरिया 576
इंटू रूट सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉस्ट पूछ रहा है, कॉस्ट पैसे पूछ रहा है, और बोल रखा है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का 50 पैसे है, तो टोटल कितना होगा? 50 पैसे तो रुपीज में निकाल देते हैं, 50 पैसे यानी 1/2 रुपी, तो इसको हम इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी तो रुपीज में आ जाएगा। तो इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने में जाएगा? 288। तो हमें मिलेंगे 288√6 रुपीज, 288√6 रुपीज। अब आपको बोलोगे ये कैसे है, तो रूट सिक्स जो होता है ना उसको सॉल्व कर लो, रूट सिक्स आपका आएगा 2 पॉइंट समथिंग आया था, तो इसके रुपीज आपके हो जाएंगे लगभग 700 के आसपास, अप्रोक्स में आते हैं इसके आंसर, तो घबराना मत, 700 के आसपास आएगा, क्योंकि रूट सिक्स को जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये 3 से कम है, क्योंकि 9 जो होता है वो, ये स्क्वायर रूट में सॉल्व करना बाद में सिखाऊंगा, अभी आप बस इतना समझ लो कि रूट सिक्स की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है अप्रोक्सीमेटली, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 28 × 2 पॉइंट समथिंग को, तो 700 रुपये के आसपास आएगा, और ये आपका आंसर है, घबराना मत, बस लास्ट में अप्रोक्स लिख देना अप्रोक्स, ऐसे मत सोचना कि यार मेरा तो मैच नहीं हो रहा, इसमें अप्रोक्स में चलते हैं, इवन बुक में भी आप फाइंड करोगे लिखा होगा अप्रोक्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, पहले एक टाइल का निकाला, एक टाइल की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी थी जो कि ट्रायंगुलर शेप की थी, उसके बाद हमने उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद वो रुपीज पूछ रहा था, एक सेंटीमीटर का स्क्वायर का 50 पैसे बता रखा था, तो 576 × √6 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज, तो ये इसका आंसर। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे ऑफ दिस चैप्टर। ओके गाइस, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 12.2 का, थोड़ा सा लेंथी है तो इसको आराम से करेंगे, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट्स में नहीं किया। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ये नीचे मैंने बना रखा है, जिसमें जो पैरेलल साइड्स हैं, यानी ये वाली ये पैरेलल दिख रही है ना, उसका उसकी लेंथ दे रखी है 25 और 10, तो ये 25 या 10, और जो नॉन पैरेलल साइड है ये वाली, ये नॉन पैरेलल है क्योंकि ऐसे कट जाएगी ना, इसलिए नॉन पैरेलल है, कन्फ्यूजन मत होना, तो उनकी साइड भी दे रखी है 14 और 13, तो टोटल इसका एरिया का पूछा है फील्ड का, और ये फिगर जो बना रखा है एबीसीडी बेसिकली ट्रेपेजियम है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बता देता हूँ कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम ये होता है ऐसे, जिसमें दो पैरेलल साइड होती है और ऐसे दो नॉन पैरेलल साइड होती है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं आपको बता देता हूँ होता है 1/2 × सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स है ना उनका सम इंटू हाइट, ये बेसिकली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड तो है 25 + 3, तो 1/2 25 + 10 कितना होता है 35, पर हमें हाइट नहीं पता, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी पूरे फील्ड का एरिया नहीं निकाल सकते। तो अब हमें जो भी कैलकुलेशन करनी हो करनी है, तो एक बार हाइट मिल जाए तो हम इस पूरे का ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कैसे हम हाइट निकालेंगे। तो हाइट निकालने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ये बी से ना एक ऐसे पैरेलल बनाओ, पैरेलल AD के पैरेलल, ये AD है ना 13 वाला, इसके पैरेलल एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है, और मान लो ये E है, ठीक है। अब क्या क्या लेंथ हो गई, ये भी 10 ही हो गई, ये भी 13 हो गई, ये भी 13 हो गई ना, ये पैरेलल लाइन ना हमने AD के, तो ये भी 13 हो गई, और ये यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, ये टोटल 25 था, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये वाली 15 हो गई, ये EC, समझ आ रही बात, ये पूरा 25 था ना, पर हमने ये लाइन खींच दी। अब हम सिर्फ इस वाले फिगर को इमेजिन करो आप, ABED, इसको विजुलाइज करो आप, ABED, तो इसमें ये 13 है, ये 13 है, ये 10 है, ये भी 10 है क्योंकि ये पैरेलल आ गई, ये भी पैरेलल आ गई, और ये पूरा 25 था तो ये 10 है तो ये 15 हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई, चलो अब देखो एक चीज समझाता हूँ मैं आपको, हमें क्या चाहिए, हाइट, इस पूरे इसकी हाइट चाहिए, तो हाइट को यहाँ से यहाँ ऐसे एक परपेंडिकुलर खींचो, यही हाइट होगी, परपेंडिकुलर खींच दी। अब एक बार बताओ, इस पूरे ट्रायंगल की हमें, ये जो ट्रायंगल है BEC, ट्रायंगल BEC को विजुलाइज करो, ये वाला, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना ऑरेंज से, इसको विजुलाइज करो BEC। इस BEC में हम हेरोंस फॉर्मूला से इसका एरिया नहीं निकाल सकते इस ट्रायंगल का, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, ये 13 14 और ये वाली 15, तो एरिया निकालो इसका 13 14 15 से। तो पहले S की वैल्यू क्या होगी, इसको ऐड करो डायरेक्ट, मैं कर रहा हूँ 29,
342 21. तो मैं डायरेक्ट हेरोंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस की वैल्यू आएगी 21, 21 माइनस 13 7, 21 माइनस 14 8, 21 माइनस 15 6. तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी. तो मैं मान के चल रहा हूँ आपको स्क्वायर रूट सॉल्व करना आ रहा है, तो एरिया इसका निकलेगा 84 मीटर स्क्वायर. किसका? ये वाली जो ऑरेंज से मैंने किया है, बी सी ट्राइंगल का. तो हमें मिल गया है बी सी ट्राइंगल का एरिया 84 मीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत हो रही यहाँ तक? नहीं. अब हमें एक बार बताओ, हम हमेशा से जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था? ये तो अभी हम हेरोंस फॉर्मूला तो हमने अभी सीखा है ना, पर वैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था? हाफ बेस इंटू हाइट, याद है? हाफ बेस इंटू हाइट. तो एरिया हमें पता है 84, तो यानी कि इसके भी बराबर होगा हाफ बेस, यानी ये 15, ये 15, और हाइट ये वाली, ये जो लंबी है, और हाइट हम निकाल लेते हैं. अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम हाइट निकाल लेंगे. जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आएगी, सॉल्व करके बताऊँ या तो सॉल्व कर लोगे, ये उधर जाके इधर 2 हो जाएगा और ये डिवाइड बाई 15 हो जाएगा. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, और जब हाइट की वैल्यू आ जाएगी तो हम पूरे ट्रेपेज़ियम का एरिया निकाल सकते हैं. तो मैं आपसे आपको यहाँ से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ. हाइट की वैल्यू आएगी इसकी, ये यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, 2 इंटू 84 अपॉन 15. तो इसको सॉल्व करो, 84 इंटू 2 कितना होता है? 168. तो 168 अपॉन 15 आपका 1 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, 11.2 आएगी. तो हाइट हमें मिल गई 11.2, हाइट हमें मिल गई 11.2. ये समझ आ रहा है ना? हमने एरिया निकाल लिया था बी सी का 84 मीटर स्क्वायर, और हमें एक और एरिया का फॉर्मूला पता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो उस एरिया को हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्विवेलेंट कर दिया, तो हमें हाइट मिल गई 11.2. अब इनिशियली हमने क्या कहा था, अगर हमें हाइट मिल जाए तो हम पूरे, ये जो पूछा रहा है, पूरे एरिया का फील्ड निकाल सकते हैं. तो बस अब ये यहाँ डाल दो हाइट, तो आंसर आ जाएगा. अब ये वाला मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ब्लू से कर देता हूँ. तो हाफ दिख रहा है ना, हाफ बेस, हम ये एरिया ऑफ ट्रेपेज़ियम हमने कर लिया था, सम ऑफ पैरेलल साइड 35, और हाइट अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 11.2. अब इसको आप सॉल्व कर दो, जो आप सॉल्व करोगे वही टोटल एरिया होगा पूरे ट्रेपेज़ियम का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. कर दो इसको, काटो, ये 5.6 में जाएगा. तो 35 इंटू 5.6 कितना होता है? 35 इंटू 5.6 आपका होता है 196 एग्जैक्टली, और यही है आपका आंसर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो टोटल एरिया ऑफ द फील्ड हमें मिल गया आंसर, जो कि आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को आराम से रिपीट करके देख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मैं मानता हूँ, नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए इतना सारी चीज़ें करवा दी इन्होंने. तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है. अब गौर से सुनो दो तीन बातें. तो चैप्टर तो आपका हो गया ये खत्म, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, शॉर्ट्स भी करवाए, कुछ शॉर्ट्स में करवाए, कुछ आराम से समझाए, ठीक है. तो लेकिन मैंने क्या किया है कि जैसे मैंने स्क्वायर रूट वाली चीज़ें डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो अगर किसी बच्चे को ऐसे स्क्वायर रूट जैसे ये था यहाँ पर 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 16, अब इसको सॉल्व करके जैसे मैंने आंसर डायरेक्ट लिख दिया था कि 84 आएगा, पर आपको नहीं समझ आ रहा कि यार ये कैसे सॉल्व हो गया, तो उसके लिए मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट्स. वैसे तो छोटी क्लासों की बात है, आपको अब तक आनी चाहिए, पर मैं कोशिश करूंगा आपको बताऊं, ठीक है. तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.